हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपकी जो भी OBE के अंदर आपको आंसर शीट यूज़ करनी है उसके रिलेटेड, या आंसर शीट्स के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, कौन से पेन्स आपको यूज़ करनी है, कैसे शीट्स यूज़ करनी है, वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको फ्रंट पेज पे और उसके नेक्स्ट जो पेज होगा उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो भी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको शीट्स कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो आप को शीट का जो साइज़ यूज़ करना वो है A4 साइज़, ठीक है। A4 साइज़ की आप शीट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इससे थोड़ी छोटी एक शीट आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी शीट आप यूज़ ना करें। इसके अलावा कौन कौन सी शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों तरह की शीट यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्लेन शीट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो रोल्ड शीट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या एक साइड प्लेन एक साइड रोल्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक साइड लिखना है या दोनों तरफ लिखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो एक साइड भी लिख सकते हैं और चाहे तो पेज के दोनों साइड्स भी लिख सकते हैं। बस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक साइड आपने लिखा है तो उसका मार्क जो उसको थोड़ा बहुत जो उसकी जो छपा हुआ है वो पीछे तो नहीं दिख रहा, तो ऐसे केस में आप PDF बना के एक बार चेक कर लें कि वो PDF में वो पीछे का मार्क जो है दिखे ना, वो क्लियर दिखे PDF में। बस ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों साइड्स भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। पेन की बात होगी, अब पेन की बात कर लें तो पेन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई सा भी पेन आपको यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ये दो कलर के इंक के पेन जो है यूज़ करने हैं। आप प्लेन शीट यूज़ कर सकते हैं, आप रोल्ड शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको शीट के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो मान लीजिए आपने प्लेन शीट यूज़ करी है, तो आपको ये चीज़ें जो हैं शीट के ऊपर मेंशन करनी है। अब देखिए नेम के रिगार्डिंग क्या है, जो आपकी गाइडलाइंस है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको OBE देना है उसके ऊपर मेंशन है कि आपको जो है आपका नेम जो है वो मेंशन करना है। इसके अलावा जो पिछली बार OBE हुए थे उसमें भी बच्चों को नेम मेंशन करने के लिए बोला गया था, तो आप जो है नेम को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हालांकि अगर नहीं मेंशन करना हो कोई, इसके लिए एक्स्ट्रा गाइडलाइन आती है तो मैं बता दूंगा आपको। आप चाहें तो यहाँ पे नेम अपना मेंशन कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जो भी आपका XYZ नेम है वो आपको मेंशन करना है। आपको प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है, जैसे मान लीजिए आपका BA प्रोग्राम कोर्स है तो आपको BA प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन करना है। सेमेस्टर मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे, थर्ड है तो आपका थर्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको मेंशन करना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको आएगा आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है। वहाँ से देख के आपको ये एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है आपका। फिर यूनिक पेपर कोड मेंशन करना है। ये होगा जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उस क्वेश्चन पेपर में आपका यूनिक पेपर कोड लिखा होगा, वहाँ से आपको ये यहाँ पे लिखना है। पेपर का टाइटल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो आपका टाइटल है पेपर का वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, या जो भी आपका 9:30 बजे या 2:30 बजे जो भी आपका पेपर है और जिस डेट भी है वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा नेम एंड कॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर आप SOL के स्टूडेंट्स तो SOL आपको मेंशन करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर आप किसी को रेगुलर या NCVAP के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कॉलेज का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे SOL का रोल नंबर आप मेंशन कर भी सकते हैं, चाहें तो मेंशन नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है और आपका मोबाइल नंबर जो है मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके अलावा सीरियल नंबर कहाँ पर मेंशन करना है, तो आपको सीरियल नंबर मेंशन करना है टॉप राइट कॉर्नर में। जैसे मान लीजिए आपके एक क्वेश्चन में आपने 5 पेजेस लिखे हैं तो उसमें पहला पेज जो होगा उन सारे पेजेस पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे आपको लिखना पेज नंबर 1 या सीरियल नंबर 1, इस तरह से आप लिख देंगे। और नीचे बॉटम में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे बॉटम में आपको कर देने हैं, ठीक है। अब PDF कैसे बनानी है, तो आप मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन के लिए 4 अलग अलग PDF बनानी है। हर PDF के फर्स्ट पेज पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंसन करनी है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मान आपको पहला क्वेश्चन नहीं करना, आपको सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर नंबर सेकंड और यहाँ से आप लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आप सेकंड पेज पे आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, सेकंड पेज पे आपको सबसे पहले आप पेज नंबर सेकंड यहाँ से मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपने साइन करेंगे जो भी आपके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको हर पेज पे मेंशन करना है। इसके अलावा चाहें तो आप SOL का रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो फ्रंट पेज पे भी SOL का रोल नंबर चाहें तो मेंशन करें, चाहें तो ना करें, लेकिन एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका मस्ट है, ये गलत नहीं होना चाहिए, हर पेज पे ये आपको मेंशन करना है।
इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो क्या मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो एक दो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाने से कोई पेपर कैंसिल नहीं होता, बस आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है ये ठीक भरना है और आपको सही जगह अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर क्या, मान लीजिए एक क्वेश्चन में मैंने 1 से 5 पेज तक मैंने आंसर लिखे हैं, तो क्या सेकंड क्वेश्चन में मैं 6 नंबर पेज नंबर 6 से यहाँ मैंसन करूँगा? जी नहीं, आपको सेकंड क्वेश्चन में भी पेज नंबर 1 से ही मैंसन करना है। और इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो 4 क्वेश्चन में जो भी आपका, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका 6 पेज का हो तो उसमें पेज नंबर मैंसन करेंगे 1 से लेकर 6 तक। अगर दूसरा क्वेश्चन आप मान लीजिए आपका 5 पेज में होगा तो उसमें पेज नंबर मेंशन करेंगे 1 से लेकर 5 तक। इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो उस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन लिखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो क्वेश्चन लिखें चाहे तो ना लिखें, ठीक है। ऐसे एज सच कोई क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। और आंसर नंबर आपको लिखना है जो क्वेश्चन में है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, सीधा सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड लिखना है। उसके बाद सीधा आपने फोर्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो फिर सीधा आपको अगली सीट जब आप लेंगे तो उसमें आंसर नंबर 4 से मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको फ्रंट सीट के ऊपर मेंशन करनी है। इसके अलावा टाइमिंग का मैं बता दूँ तो आपको टोटल 4 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए, जिसमें 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे और 1 घंटा जो है आपको डाउनलोड और अपलोड करने के लिए मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 6 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे लिखने के लिए, 2 घंटे अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मैक्सिमम लिमिट जो है PDF की वो है 7 MB। अगर ये लिमिट ज़्यादा हो जाती है इससे तो किस तरह से कंप्रेस करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मैं उसका दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर कोई गाइडलाइन आती है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ें मैंसन की हुई है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें मैंसन की हुई है आपकी गाइडलाइंस में, और ये जो आपके OB पे पोर्टल पर जो मैंसन करी हुई थी चीज़ें वहीं से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पूरे ओरिजिनल सोर्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।